राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए वोटिंग प्रक्रिया को बहाल किया गया है और झारखंड में कुल 81 विधायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग प्रक्रिया में सिर्फ 80 विधायक ही शामिल होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्रजीत महतो का स्वास्थ्य खराब होने के कारण लंबे वक्त से वो इलाज करा रहे हैं और इस वजह से वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अंदर खाने से जो जानकारी मिली है कि 60 ऐसे विधायक हैं जो NDA के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं UPA ने जो राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो 20 ऐसे विधायक हैं जो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में 10 बजे से मतदान हो रहे हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति के चयन के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के 80 विधायक और 20 सांसद वोटिंग करेंगे। झामुमो के 3 सांसद हैं जो दिल्ली में मतदान करेंगे। राज्य में 81 विधायक और 20 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर हैं। यहाँ वोटों का कुल मूल्य 2,80,256 है। एक विधायक के वोट का मूल्य 176 और एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में झामुमो के सांसद दिल्ली में मतदान कर रहे हैं। झामुमो के लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 3 सांसद हैं। दिल्ली में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह सांसद शिबु सोरेन, सांसद विजय हांसदा और सांसद महुआ माझी वोटिंग करेंगे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में शुरू हो जा रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया में सिंधी विधायक इंद्रजीत महतो शामिल नहीं हो पाएंगे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और इलाज के लिए राज्य से बाहर हैं। ऐसे में 80 विधायक ही वोटिंग करेंगे। इसमें NDA के पक्ष में 60 और UPA के पक्ष में 20 विधायक है। एक विधायक के वोट का मूल्य 176 और सांसद के वोट का मूल्य 700 है। राज्य में 81 विधायक और 20 सांसद हैं। यहां वोटों का कुल मूल्य 2,80,256 है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, एक साधारण घर की महिला जो हम लोग का भी सौभाग्य रहा, उनके साथ 6 साल का हम लोग अपना झारखंड राज्य में उनके साथ रहे और बहुत अच्छा, मतलब जब भी हम लोग गए हैं, जो भी उन लोग का जन समस्या रहा, जो भी बात रहा, बहुत अच्छा से उन्होंने देखे और कोई मतलब पक्ष विपक्ष का बात नहीं देखे, सबको साथ लेके उन्होंने जो चले वो हम लोग देखे। तो आज और सबसे बड़ी बात है, एक महिला है और हम लोग भी एक महिला है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज वोट लेके निकल रहे हैं और भगवान उन्हें शक्ति दे और माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखें, तमाम हमारे राज्य की जनता स्वस्थ रहे। NDA के सारे विधायक ने इस ऐतिहासिक क्षण में एक साथ आके मतदान करने का निर्णय लिया था, इसलिए आज सभी माननीय विधायक जन एक साथ आकर अपना मतदान कर रहे हैं। आंकड़े तो पर्याप्त थे ही आप लोगों के पास? हाँ, निश्चित रूप से, और जो अपील पर भी लोग सामने आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कई लोग सामने आ रहे हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने किया है, NCP के विधायक कमलेश जी ने समर्थन दिया है, तो एक अच्छा है। हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि ये चुनाव में जनजातीय क्षेत्र से एक जनजातीय प्रतिनिधि देश में पहली बार सर्वोच्च पद में नामित होंगी, तो अच्छा ये रहता कि हम लोग सब एकजुट होकर एक मत से उनको वहाँ स्थापित करते हैं, तो एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। सर, कांग्रेस की भी की अपील थी, अस्मिता का जो नारा दिया गया वो यशवंत सिन्हा के आगे ज़्यादा मजबूत नजर आया क्या चुनाव में? नहीं, किसी व्यक्ति विशेष या चुनाव द्वंद या दलीय द्वंद को किनारे करके भारत की लोकतांत्रिक छवि को विश्व स्तर पर स्थापित करने का एक मौका भी है। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ, ग्लोबली भारत के इस लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र अगर इस तरह से अपने आदिम जाति जनजाति क्षेत्र से अगर कोई प्रतिनिधि आते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर सर्वमान्य रूप से स्थापित होते हैं, तो देश की लोकतांत्रिक गरिमा बढ़ती है। तो झारखंड से काफ़ी लगाव था इनका, राजकीय हम लोग की लगातार वो राज्यपाल के रूप में रहे और एक आदिवासी महिला के रूप में देश का प्रथम नागरिक बनने का जो इनको गौरव हासिल होने जा रहा है उससे, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है देश और दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर NDA हो, जो प्रत्याशी उन्होंने चुना, वो काफ़ी एक समाज को मैसेज देने का काम किया कि वैसे व्यक्ति जो समाज के अंतिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, मतलब जंगलों में रहना जाता है, वो जंगलों के रूप
में उनको जाना जाता था, तो उनका सर्वोच्च शिखर पर बैठना देश और दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। ये कहा गया था कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करना है। देखिए, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे गार्जियन रहे हुए, हमारे जिले के वो सांसद भी रहे हुए लगातार, वो मतलब मंत्री रहे हुए, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे अंतरात्मा की बात कोई नहीं सुन रहा। हम सभी अंतरात्मा की बात को ही सुनते हैं, वोट करते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस की बात जो है, दूसरे पार्टी की बात करें, तो उनकी अंतरात्मा से पूछिए कि उनको प्रत्याशी क्यों बनाया था। और दूसरी बड़ी बात है कि हम यहाँ तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया। आज मैं समझता हूं कि बिहार प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाने से लेकर नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री तक सारे पदों से उनको सुशोभित किया। फिर ऐसी स्थिति में उनको शायद, मेरे ख्याल से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। हालांकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे गार्जियन रहे हैं, लेकिन अगर वो खड़े हुए हैं तो ये उनकी अलग बात है। आप यहाँ पर देखें, जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की यहाँ पे गठबंधन है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं आज द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा है। ये तो कांग्रेस की मतलब निर्लज्जता कहिए या फिर सत्ता का सुख कहिए कि आज के दिन में भी वो जेएमएम के साथ सत्ता पाने के लिए खड़े हैं। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, उन लोगों को भी अंतरात्मा का आवाज़ सुनना चाहिए। राज्यसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस का बेइज्जती किया जेएमएम ने, आज इस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार बेइज्जती कर रहा है, इसके बाद भी कांग्रेसी सिर्फ सत्ता के लोभ में आज के दिन में भी सटे हुए हैं, उनको सपोर्ट किए हुए। जब इतना तिरस्कार, इतना बेइज्जती होने के बाद भी ये राजनीति कर रहे हैं, तो इससे मुक्ता वाली आप कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबों से मिले, हम लोगों ने सबसे आग्रह किया। सर, आजकल अंतरात्मा सब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुना जा रहा है? देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ है तो सब लोग बोलते हैं। जब भरोसा झारखंड से वर्षों तक राज्यपाल जी हम लोग के लिए, पूरे देश के लिए, और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए ये गौरव की बात है कि आज जनजातीय महिला, प्रथम महिला देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं, और हम लोग उनके पक्ष में, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करके हम लोग बहुत खुश हैं, और उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। पहले श्रावण मास की पहले सोमवार के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई, और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। उन्होंने आज के दिन हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है, एक साधारण घर की महिला जो बहुत ही सिंपल स्वर और उनको सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए उन्होंने जो अपनी कोशिश की है, तो हमें लगता है कि इसके लिए उनको सतत बार हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उनकी महिला से सोच, उनका ये सम्मान हम सिर्फ भाषण नहीं देते हैं कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। ये हमारे यशस्वी ने भी दिखाया, और सबसे बड़ी बात कि उनकी नज़र हर लोगों पे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, इससे गर्व की क्या बात कर सकते हैं। हम आज बहुत खुश हैं और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसे तो एक चुनाव में हम भी शामिल हुए हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति चुनाव में वोटों के मूल्य की अगर बात करें, तो किसी भी स्टेट के जनसंख्या के आधार पर वोट का मूल्य तय किया जाता है। वहीं झारखंड में अगर बात करें तो 28,000 से ज़्यादा यहां पर वोटों का मूल्य है। वहीं एक विधायक का जो वोट का मूल्य है 176 है, और वहीं सांसद के एक वोट का मूल्य जो है तकरीबन 700 है। लेकिन ऐसे माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए जब घोषणा की थी, तो उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि उनका जीतना जो है लगभग तय है, क्योंकि जो विपक्ष ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जब चुनावी मैदान में आई, तो कई ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में इस बात को आ गए कि किसी अनुसूचित जनजाति महिला को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
और ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में देश को एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन आपको नजर आएगी। अपने सहयोगी जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।